इनकी रियासत को तीन हिस्सों में बांट दिया। इनके आज 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल में है, 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम में है और 1 डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जो अब 2-3 हो गई, अररिया भी इसी में से बन गया, पूर्णिया में से। कुल मिलाकर इनको रोंद दिया। राजवंशी क्षत्रिय समुदाय का वहां पर आज भी 60% पॉपुलेशन है इस नॉर्थन बंगाल में, ग्रेटर कूच बिहार का जो एरिया है इसके अंदर। इनके यहां कार्यक्रमों में, पैलेस में राजनाथ सिंह जी, जसवंत सिंह जी, आलूवालिया जी, मोदी जी जाते रहे, अमित शाह जी अब 2021 में वहां पहुंचे। श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् सब अनुष्ठिता स्वधर्मे नितनम श्री परधर्मो भया। वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ अलवर राजस्थान यहां उपस्थित सभी को सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। आज कार्यक्रम में जैसे मुकुट में मणि चमकती है, इस प्रकार से हमारे बीच में कूच बिहार के महाराज श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं पश्चिम बंगाल से, और बहुत ही समाज के प्रति विशेष भावना रखते हैं, वो हमारे बीच विराजमान हैं। मैं उनको सागर जय से चंडी अर्ज करता हूं। हमारे मध्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार, सनातन धर्म रक्षा पीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी कौशल किशोर जी महाराज विराजमान हैं, उनको भी सागर जय श्री कृष्ण। हमारे लोकल गार्जियन कहे हम, महंत श्री सुरेश दास जी महाराज हमारे मध्य विराजमान है, यह हमारा सौभाग्य है, उनको मैं सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री राम राज मिशन के संस्थापक सदस्य आदरणीय एडवोकेट मंदरूप सिंह जी सांकला साहब गुड़गांव से ही साथ चलकर आए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, सादर जय रघुनाथ जी के। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और महाराज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर निर्मल राय, वो हमारे बीच हैं, उनको सागर जय श्री चंडी। हमारी बहन नमिता जी बर्मन जो ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और महाराज साहब की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको भी सागर जय श्री चंडी, जय श्री चंडी। मेरे बड़े भाई आदरणीय रतन सिंह साहब को सागर जय रघुनाथ जी की अर्ज करूंगा। और यहाँ जो आज हमारे बीच में मार्गदर्शक की तरह डॉक्टर चौहान और बड़े भाई अशोक सिंह जी विराजमान हैं, उनको भी बार बार प्रणाम। मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह जी हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, रवि भाई हैं, संदीप भाई हैं, उज्जवल सिंह जी हैं, राम नरेश जी हैं, सभी मेरे से विशेष प्रेम रखते हैं, मान सिंह जी सांखला हैं, सबको बार बार जय रघुनाथ जी। अपने पास टाइम है केवल 8 बजे तक, वो इसलिए नहीं कि हो सकता है आप तो टाइम दे भी दें, फिर वो क्या है महाराज साहब जिस क्षेत्र से आते हैं ना वहां 4 घंटे बाद भोजन करते हैं तो 8 बजे बाद वो निश्चित रूप से विक्रम सिंह जी के घर पहुंच के भोजन करना चाहेंगे, तो अपने पास टाइम 8 बजे तक ही है। और उस 8 बजे में से भी मैं तो सोच रहा था लास्ट में बोलूंगा तो खींच जाऊंगा, तो महाराज साहब का उद्बोधन अभी बाकी है, तो नहीं आप ज्यादा चिंता मत करो, भोजन कहीं भी कर ले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं प्रयास करूंगा खींच खांच के छोटे में सम्मिलित करने का, पर वो चूंकि महाराज साहब पहली बार पधारे हैं और आज मुख्य आकर्षण का केंद्र ही यही है, और इनके बारे में हमें जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में इसलिए जान लेना जरूरी है कि जो व्यक्ति अपना प्रोटोकॉल छोड़कर वाई श्रेणी वाई प्लस की सिक्योरिटी है, 30 सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते हैं, उन सबको छोड़कर यदि भाइयों में अकेला भाइयों की तरह आकर बैठता हो तो निश्चित रूप से आज के इस घोर कंडीशन में, और ऐसा नहीं कि आज ही आ गए, कई दिनों से हम सबके बीच ही हैं, भाई दूसरी जगह गए वो भी तो अपने भाई हैं, ये 24 फरवरी से लगातार चल रही है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा उस समय बीच में चुनाव आ गए थे इसलिए थोड़ा पोस्टपोन कर दी थी, अदरवाइज वो लगातार ही यात्रा पे, तो अच्छा हो पहले हम इनके परिचय से शुरू करते हैं। उन्होंने इसीलिए मेरे से पहले कहा है क्योंकि कई कम्युनिकेशन के वर्ड ऐसे हैं जिनका अर्थ अलग से अलग समझ जाते हैं, जैसे वहां हम संकलन समिति
की मीटिंग में उपस्थित थे अहमदाबाद में, उन्होंने कहा कि जो करण सिंह जी चावड़ा ने सुक्षण किया है वो ठीक है। महाराज साहब ने बोले ये सुक्षण क्या कर लिया, बोलते बताया ना कि सुझाव दिया है वो ठीक है। तो अलग अलग थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी अलग है, इसलिए मैं दोनों टर्मिनोलॉजियों से परिचित हूं, इसलिए मैं ही बता। सतयुग में जिक्र आता है बार बार, सतयुग के काल में स्वर्ग हुई और राजा इंद्र का जिक्र आता है। राजाओं में सबसे प्रमुख राजा इंद्र को ही माना जाता है, इतना तो सब जानते हैं। युधिष्ठिर ने यक्ष कृष्ण को इसका उत्तर भी दिया था कि सबसे बड़ा राजा कौन, इंद्र। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक देवता भी नहीं है, इंद्र एक पदवी है जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, इंद्रासन पर बैठता है, वो इंद्र कहलाता है। और उस क्षेत्र को स्वर्गपुरी या इंद्रपुरी बोलते हैं। महाराज साहब के क्षेत्र को सतयुग में इंद्रपुरी कहते थे, स्वर्गपुरी कहते थे। आपने देखा होगा स्वर्ग में जो भी जाता, विश्वामित्र जी भी गए, या जो वशिष्ठ जी भी गए, या फिर अर्जुन गए, या और लोग आते जाते रहे हैं स्वर्ग से, इसका मतलब वो स्वर्ग कोई आसमान के ऊपर की चीज नहीं है, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। वो धरती पर ही कोई ऊपर की जगह, जो अपन कहते थे ना ऊपर जाना। और आपने ये भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग जा रहे थे, तब वो उनके और भाई बर्फ में गड़ गए, इसका मतलब उसका रास्ता इधर ही नहीं, ऊंचाई की तरफ जहां बर्फ गिरती है, हिमालयन रेस में या नीलांचल की तरफ, इसी तरह महेंद्रगिरी की तरफ। और इनके उस क्षेत्र को, उस समय लंबा चौड़ा क्षेत्र था, उस समय स्वर्ग ही कहते थे। उस समय की मेनका जी उर्वशी जी के बारे में अपने को जानकारी है कि मेनका जी का विवाह ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ हुआ था, और उनकी एक पुत्री थी शकुंतला, जिनका विवाह महाराज दुष्यंत के साथ हुआ था चंद्रवंशी राजा के, और उनके पुत्र का नाम भरत था, जिससे इस देश को भारत कहते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं बड़ा है दुनिया में हिंदुस्तान से, वो उन्हीं भरत जी की बात। दूसरा विवाह उर्वशी का ययाति से हुआ, इसीलिए जब अर्जुन स्वर्ग गए तो उन्होंने उर्वशी के प्रस्ताव को यह कहकर मना कर दिया कि आप तो मेरी दादी परदादी लगती हैं, मेरा आपसे माता पुत्र का ही रिश्ता रह सकता है। इसका मतलब अपने वैवाहिक रिश्ते पहले भी इस टेरिटरी से हुए। देवासुर संग्राम का अपन ने बहुत जिक्र सुना है, देवता और असुरों में युद्ध, और हम जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वो हमेशा ही देवताओं की ओर से लड़े हैं, ये बात भी सबको पता होगी। तो इसका मतलब कोई कोई संबंध इनसे है, उस समय भी हम इनके साथ लड़े। त्रेता युग में इस धरती को मिथिला कहते थे, क्या कहते थे, मिथिला, और ये यहां से शुरू होकर ऊपर आगे तक जाती थी, क्योंकि मानव सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है, दूसरी जगह विकसित नहीं थी, तो वो आगे का सारा एरिया चीन वगैरह वो सब इसी के तहत था। और राजा की पदवी उस समय थी जनक, माता सीता के जो पिता हैं उनका नाम नहीं है जनक, उनकी पदवी है जनक, उनका नाम तो जनक शील ध्वज है, 14वें जनक है वो, और उनका नाम शील ध्वज है, उनके छोटे भाई का नाम कुश ध्वज है, जिनकी दोनों पुत्रियों का विवाह लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से हुआ, इनसे शत्रुघ्न जी और भरत जी से हुआ, मांडवी और सुतकी, और सीता जी का और माता उर्मिला जी का विवाह हुआ राम जी और लक्ष्मण जी से। यहां त्रेता युग में ही एक कहानी है कि भगवान नारायण और धरती माता, इनके एक पुत्र हुआ दोनों के, और उस पुत्र का नाम था नरक, जिसको इनके क्षेत्र में नरक देव कहते हैं, और इनसे चिढ़ने वाले नरक असुर बोलते हैं। वो थे तो नरक सुर, लेकिन उनको नरक असुर बोलना शुरू किया। उसके पीछे रीजन ये था कि वो अपनी कुलदेवी पर ब्राह्मणों की बलि देते थे, वो अब तक चली 1945 तक। नरक देव के पुत्र, नरक देव चूंकि नारायण और माता धरती के पुत्र हैं, और सीता जी भी धरती की पुत्री है, दोनों उनको बहन भाई माना जाता है। उसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि दोनों का पालन ही राजा जनक ने किया, तो दोनों बहन भाई हो। तो त्रेता में भी सूर्य वंश का और इनके निमि वंश का संबंध है, और इनके क्षेत्र को उस समय मिथिला कहते थे। नरक देव को वरदान था कि उसे उसके जन्मदाताओं के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता, यानी भगवान नारायण और माता धरती ही मार सकती है, और यही कारण था कि श्री कृष्ण जो कि नारायण ही थे और सत्यभामा जो कि धरती के ही अवतार थी, उन दोनों ने मिलकर उनका वध किया वशिष्ठ के कहने। जब उनका विवाह हुआ था तो विदर्भ की राजकुमारी माया से हुआ था, जिनके नाम पर मुंबई नगरी बसी हुई है। वो मुंबा देवी नहीं, माया देवी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा है, कई जगह कई मामले हो गए।
माया देवी के और नरक के पुत्र हुआ भगदत्त, भगदत्त के पुत्र हुआ पुष्पदत्त। ये जो राजा भगदत्त था ये महाभारत का बड़ा योद्धा है, भीष्म के मित्र थे और इनकी पुत्री का विवाह दुर्योधन से हुआ है। तो चंद्रवंशियों का विवाह त्रेता में भी, द्वापर में भी हो रहा है और द्वापर में इस क्षेत्र का नाम पड़ गया प्राग ज्योतिष और कामरूप। राजा भगदत्त के ही एक भाई थे जो मणिपुर के राजा थे और उनकी पुत्री थी चित्रांगदा, उसका विवाह हुआ अर्जुन के साथ और उनके पुत्र हुआ बबरूबाहन। जब अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के लिए जा रहे थे तो बबरूबाहन ने अर्जुन को न केवल हरा दिया बल्कि उनकी युद्ध में भी गति को प्राप्त करा। लेकिन चित्रांगदा मृत संजीवनी जानती थी और उन्होंने अर्जुन को जीवित किया और बबरूबाहन को बताया ये तुम्हारे पिता है। बबरूबाहन ने उस दिन से तपस्या करना शुरू कर दिया और उनके तप को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जैसे गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी को अपने पूजा जाता है लोक देवता के रूप में। ऐसे ही बबरूबाहन को मशान बाबा के रूप में उस पूरे क्षेत्र में पूजा जाता है। बोलिए मशान बाबा की जय। जैसे अपने खाटू श्याम जी बरगरी के, यहां से इनकी पीढ़ियां चलती आई और कलयुग में इस क्षेत्र का नाम पड़ गया कामतापुर और राजा का नाम था कामतेश्वर। कामता का राजा है तो कामतेश्वर कहलाया। कामतेश्वर महाराज की पीढ़ी दर पीढ़ी, अब नाम उतने मेरे को याद नहीं है, इन्होंने बताए थे लिखे हुए भी हैं, लास्ट में उनका राज चला गया। पर उनके ही एक जागीरदार ने, जो उनका सेनापति था, इनके मंडल बोलते हैं जागीर को, जमींदारी को, हरिया मंडल ने वापिस छीन लिया वो राज। उनके दो रानी थी हीरा और जीरा, उनके एक पुत्र था विश्व सिंह और विश्व सिंह पुनः कॉरोनेशन हुआ और कूच बिहार के राजा बने। विश्व सिंह जी के दो बेटे थे नर नारायण और शुक्लध्वज। शुक्लध्वज बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, जैसे यहां राणा प्रताप और महाराज शिवाजी को पूजा जाता है ऐसे ही उस क्षेत्र में शुक्लध्वज को पूजा जाता है चिल्ला राय जी के नाम से। फरवरी में उनकी जयंती आती है। महावीर, विश्व महावीर चिल्ला राय जी का और नर नारायण की एक बेटी थी नर राजा नर नारायण की क्षमा देवी, उनका विवाह हुआ राजा मान सिंह फर्स्ट के साथ। ये गायत्री देवी जी वाले नहीं जो प्रथम थे, पता नहीं दोनों मान सिंह भी वहीं कुछ बिहार में विवाह हुआ दोनों का। मान सिंह फर्स्ट जो मिर्जा राजा मान सिंह कहलाते हैं, वो जब बंगाल और असम की विजय पर गए तो राजा नर नारायण और राजकुमार शुक्ल ध्वज ने उनकी पूरी सहायता की और काबुल और कंधार पर जब उन्होंने वहां के पठानों को हराया तो चिल्ला राय जी उनके साथ थे। इसीलिए इनके क्षेत्र में ये बात जानकारी है कि कंधार तक हमने पूरे देश को डिफेंड किया क्योंकि वो पठानों से रक्षा के लिए। राजा मानसिंह, आज उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, वास्तव में इस देश में यदि सनातन संस्कृति है, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, तो इसके पीछे राजा मानसिंह का हाथ है क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले इन्वेडर को परमानेंटली चिल्ला राय जी के साथ मिलकर जाके उन्होंने रोक लगाई, उनको समाप्त कर दिया। इसी से प्रसन्न होकर राजा नर नारायण ने अपनी बेटी का विवाह राजा मानसिंह के साथ किया। इसके बाद लगातार राजाओं के साथ, जागीरदारों के साथ, सामान्य परिवारों में विवाह इसलिए संभव नहीं थे, इतनी लंबी यात्रा का उस समय कोई साधन नहीं था। बड़ा विवाह फिर कौन सा आता है, जो महाराज नृपेंद्र नारायण थे इनके, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा भाग लिया था, उनका छोटे भाई थे जितेंद्र नारायण और उनका विवाह हुआ बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ की बहन इंदिरा राजे से। और इंदिरा राजे और जितेंद्र नारायण के पुत्र हुए महाराज जग जितेंद्र नारायण और छोटे थे इंद्र जितेंद्र नारायण और उनके तीन बेटी थी। गायत्री देवी जी का जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय के साथ विवाह हुआ, जो इनकी राजकुमारी है, हमारी राजमाता है, हमारी राजदादी सा। और दूसरी जो उनकी बेटी थी वो इला देवी थी, जो फाइटर फ्लाइट चलाती थी और योद्धा थी, उनका विवाह त्रिपुरा के राजा के साथ हुआ। और तीसरी उनकी बेटी का विवाह देवास के साथ हुआ। अब कूच बिहार आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र गुजरात उस समय एक ही था, बड़ौदा तो उस समय महाराष्ट्र का हिस्सा, अर्थात पूरे देश से इनके वैवाहिक संबंध उस समय उसने अभी थोड़े दिन पहले तक है। राजमाता गायत्री देवी के भाई जगदीपेंद्र नारायण जी को द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहां की जो रानी थी उसने कहा कि आप हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद क्यों करें? उन्होंने कहा कि जो
जर्मनी, जापान और इटली हैं, ये कौन सी सेनाएं, इनको मित्र रूढ़ी राष्ट्र बोलते थे। इनकी सेनाएं न केवल ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका को रौंद देंगी बल्कि पूरे विश्व को रौंद देंगी। उन्होंने कहा रौंदने दो, हमें क्या मतलब, जब तुम भी ऐसे ये भी ऐसे। बोले नहीं, उनमें और हमें एक फर्क है, हम यहां तुम्हारे रहे हैं लेकिन हमने हमारी सेना को सेक्स फ्री नहीं दिया कभी। ब्रिटेन ने आर्मी को सेक्स फ्री नहीं दिया, सेक्स फ्री का मतलब होता है किसी भी लड़की को उठा ले जाए और उस पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन जापान और जर्मनी की सेनाओं में सेक्स फ्री है। आप अपने देश में लागू कर सकते हो क्या? हमारे यहां तो स्त्री माता की तरह पूजनीय है। तो महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने कहा यह तो गलत है, ये तो नहीं होने देंगे हम, तो आप हमारी मदद कीजिए। बोले नहीं, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए कि तुम्हारा जो ब्रिटिश भारत है, जो तुमने नवाब सिराजुद्दौला से जीता, टीपू सुल्तान से जीता, जो तुमने लखनऊ के नवाब से जीता, टोंक से जीता, अजमेर से जीता, दिल्ली के जफर से जीता, उसे तुम छोड़ जाना। एक बड़ी आश्चर्य की बात यह, पूरा देश कभी गुलाम नहीं था, प्रिंसली स्टेटों की संधि थी और संधि बराबर के राजा से होती है। ट्रीटी कभी भी ऐसे नहीं होती एक बड़ा एक छोटा, ट्रीटी होती है बराबर के में और समझौता होता है छोटे। तो कभी भी प्रिंसली स्टेट की कोई समझौता नहीं था। और आपको पता है उस ट्रीटी का क्या नाम था? दोस्ती संधि। अरे जिसका नाम ही दोस्ती संधि है उसमें कोई अंडर कैसे हो जाएगा? अब अमेरिका से हमारी संधि है तो हम अमेरिका के अंडर में थोड़ी, नेपाल से भारत की संधि है तो नेपाल हमारे अंडर में थोड़ी है, दोनों बराबर के राष्ट्र है और संधि है। तो प्रिंसली स्टेट तो संधि के साथ अंग्रेजों के साथ थी, और जो ब्रिटिश भारत था जो उन्होंने मुस्लिम से जीता था वो उनके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो क्यों इनके पास चला गया? तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे। महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने कहा नहीं, ब्रिटिश भारत नहीं, आपको जो बाकी 80 से ज्यादा राष्ट्रों में आपका शासन है वहां से भी जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कांग्रेस ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, श्रीलंका कैसे आजाद हो गया, वहां कौन सी कांग्रेस थी? देश के सभी, विश्व के सभी देश आजाद हुए, हुए कि नहीं हुए आप बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देश आजाद हुए। इसका मतलब आजादी का कोई और कारण रहा, ये कांग्रेस कुंग्रेस का इनका कोई रोल नहीं रहा है। हो सकता है इन्होंने अल्लाह दंगा उत्सव किया होगा, यहाँ छोटा मोटा जो भी जलाया जलवी विदेशी कपड़ों की होली, वैसे विदेशी कपड़े कांग्रेसों के पास नहीं थे, हमारे बाप दादाओं के पास थे, इन्होंने जलवा दिए, इनके पास तो था ही क्या। लेकिन चलो हम उस बात पर नहीं जाते, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहिए हमको, हम तो हमारे समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट हमसे रिलेटेड है, 1939 में हमने, अब आप कहोगे जगदीपेंद्र नारायण इतनी बड़ी ताकत कहां से हो गई जो सारा देश को शासन में मतलब सेना में भेज देंगे। मैं आपको उनका परिचय फिर दे रहा हूं, उनके बहनोई सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर थे, उनके मामा जी सयाजी राव गायकवाड़ थे, उनके एक बहनोई देवास के महाराज थे, उनके एक बहनोई त्रिपुरा के महाराज थे। तो भाई था क्या नहीं था, सारा जुड़ गया उनसे। और इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में हमने इसलिए साथ नहीं दिया कि ब्रिटिश जीत जाएगा, इसलिए साथ दिया कि परिणाम में हमको देश में आजादी मिल जाएगी। और इसीलिए महाराज बार बार कहते हैं कि इस आजादी में हमने देश को आजाद किया है, ना कि किसी और पार्टी ने या किसी और चीज। 1939 में देश आजाद हो गया था, 1935 एक्ट के तहत आजादी का प्रस्ताव आ गया था, बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन वो जचा नहीं लोगों को, क्यों? क्योंकि उसमें सारी पावर राजाओं को दी गई। प्रिंसली स्टेट तो स्वतंत्र होगी, संधि करने वाला चला जाएगा तो स्वतंत्र होगा। इन्होंने 9 साल इस बात में लगाई कि कैसे करें और क्या करें और कैसे इनसे छीन लें। एक बात ध्यान देना, मैं या आप 1947 के बाद ही थोड़े बहुत गुलाम हुए होंगे, उससे पहले तक कभी गुलाम नहीं थे। बंदिशें आपको उसके बाद आई होगी, हथियार आपका उसके बाद छीना होगा, जमीन आपकी उसके बाद छीनी होगी, सर पर सरपेज आपका उसके बाद हटा होगा, उससे पहले नहीं हटता था। गलत कह रहा हूं तो बताइए, अभी इन टोपीदार रूप पड़ी होगी घरों में जाकर, पता चल लेना, घोड़ा गाड़ी जमीन जायदाद महल किले सब कम गए आपके, अंग्रेजों ने लिए क्या? इसको लागू करने के लिए इन लोगों ने हमारे प्रिंसली स्टेटों के साथ भी धोखा किया। मैं भी यह समझता था कि इन्होंने थाली में रख के सौंप दिया होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं सौंपा। माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाई जैसे आज अपन ने बुलाई, अंग्रेजों का ये नियम है मीटिंग में जो आता है साइन करता है, उस पर लोगों ने साइन किया था अटेंडेंस के लिए, उसी व्हाइट पेपर के आधार पर काम हो गया समझौता हो गया। दो तीन ने रोज भी किया, जैसे महाराजा तेज सिंह अलवर, भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने, करौली के राजा ने, उनको इन लोगों ने नीति के तहत बेवकूफ बनाकर वहां छीनने का प्रयास किया। महाराज जगदीपेंद्र नारायण को भी उन्होंने, जब इनका मर्जर हुआ है 28 अगस्त 1949, और मर्जर इसलिए कराया था कि हम आपको बनाएंगे भारत सम्राट,
और आप हो अलग, तो भारत सम्राट बनने के लिए आपको इंडियन डोमिनेशन में आना पड़ेगा। तो इंडियन डोमिनेशन में आइए तभी भारत सम्राट बनेंगे। उन्होंने साइन किए और उसका दुरुपयोग करके इनकी रियासत को 3 हिस्सों में बांट दिया। इनकी आज 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल में है, 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम में है और 1 डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जो अब 2-3 हो गई, अररिया भी इसी में से बन गया, पूर्णिया में से। कुल मिलाकर इनको रौंद दिया। और जब इनको रौंदा उसके एक कारण था कि आजाद हिंद फौज जब भारत की तरफ बढ़ रही थी, ये आपको पढ़े लिखे लोगों को पता होगा कि जर्मनी और जापान की सेना केवल एक युद्ध हारी है, वो युद्ध है कोहिमा का युद्ध, तो और तो कहीं हारी नहीं थी। और कोहिमा का युद्ध महाराज जगदीपेंद्र नारायण और इंद्र जितेंद्र नारायण ने जीता था, जो कि गायत्री देवी के दोनों छोटे और बड़े भाई थे। अब गायत्री देवी आ गई निशाने पर, क्योंकि गायत्री देवी ने आचार्य कल्पात्री जी के साथ मिलकर और राजगोपालाचार्य के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी रामराज परिषद की स्थापना कर दी, तो डायरेक्ट नेहरू के निशाने पर थी। और यही कारण था कि 1977 में इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से रौंदा जयपुर को और बर्बाद कर दिया कूच बिहार। कूच बिहार में तो कील भी नहीं छोड़ी, जयपुर में तो लूटी, इतना ही लूटा कि जयपुर में के अंदर लोग इतने थे कि वो सारा लूटने की संभावना नहीं थी उसकी, और फिर पब्लिक भी थी। कूच बिहार में क्या हुआ, राजा को स्लो पॉइजन दिया जाने लगा, जो महाराज जगदीपेंद्र नारायण, पहले उनको स्लो पॉइजन देकर 72 में वो चले गए, फिर उनके छोटे भाई इंद्र जितेंद्र नारायण उतार दे, और बेटा ब्रजेंद्र नारायण मैरिड नहीं हुए, उनको स्लो पॉइजन देना शुरू किया और 92 में वो भी इस दुनिया से चले गए। 84 में इंद्र जितेंद्र नारायण गए, 92 में वो चले गए। इनका कूच बिहार में उस फैमिली से प्रॉपर हायर कोई नहीं रहा उत्तराधिकारी, क्योंकि किसी ने अंग्रेजों से शादी कर ली या इधर उधर कर ली तो कोई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट में पोजिशन ये हो गई कि सिंहासन पर कौन बैठे, जैसे बूंदी का कई दिनों तक खाली रहा। इनके यहां लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने महाराज कामतेश्वर के पीढ़ी में वंश में प्रॉपर व्यक्ति को छांटना शुरू किया। 2 साल में उस नतीजे पर पहुंचे कि बोगई गांव आईओसी में जो नौकरी कर रहे हैं मिस्टर नगेंद्र राय, इनको लाया जाए, इनका कॉरोनेशन कराया जाए, इनका अधिकार बनता है और ये व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। तो इनका कॉरोनेशन हुआ उस कामतेश्वर महाराज के महल में, जो अब अखंडर है, और 94 में इनका कॉरोनेशन हुआ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। 94 में कॉरोनेशन तो हो गया लेकिन इनको मिला कुछ नहीं टाइटल के अलावा। तब इन्होंने ये सोचा कि जैसा बड़े भाई अशोक सिंह जी ने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक ही पावर है और वो पावर है जनता की, प्रजा की। इन्होंने जनता से संपर्क किया और 4 साल के भीतर इस नतीजे पर पहुंचे कि संगठन में ही शक्ति है। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन इन्होंने बनाया और महाराज जगदीपेंद्र नारायण के परिवार के ही एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया। भाई ठीक है, नाम के लिए ही सही, लेकिन अध्यक्ष बनाए कुंवर अनिलेंद्र नारायण, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, और अभी अध्यक्ष हैं मिस्टर निर्मल नारायण उस ग्रेटर कूच बिहार, और उसकी जनरल सेक्रेटरी है नमिता भंडन जी। इस ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन ने धीरे धीरे अपने लोगों को रीयूनाइट किया, एम्पावर्ड किया, क्योंकि इनके क्षेत्र में शरणार्थी बांग्लादेशी आते थे और कूच बिहार को छोड़कर दूसरे बंगाल के हिस्से के आके इनकी सारी जमीन जायदाद पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इनके लोग दर बदर भटकने लगे, बिना राजा के कोई मतलब लीडरशिप के कुछ होता नहीं है। राजवंशी क्षत्रिय समुदाय का वहां पर आज भी 60% पॉपुलेशन है इस नॉर्थन बंगाल में, ग्रेटर कूच बिहार का जो एरिया है इसके अंदर। पब्लिक तो थी इनके पास, लेकिन महाराज जगदीपेंद्र नारायण के साथ जो अनर्थ अन्याय किया उस कारण ये लोग वोटिंग का बहिष्कार करते थे, ये वोट करते ही नहीं थे। परिणाम ये होता था कम्युनिस्ट वाले जीतते चले जाते, बिना वोट के जीत जाते हो आराम से। आपको बताने की जरूरत नहीं है बंगाल में क्या क्या रहा है उस समय तक, तो और भी बुरा हाल था। लेकिन इन्होंने रेसिस्ट करना शुरू किया, उनका विरोध करना शुरू किया, उन बांग्लादेशियों का, उन बंगालियों का और उन रोहिंग्या का। परिणाम ये हुआ कि लोग जानने लगे कि ये है कौन, ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन कौन है। कॉरोनेशन में इनका नाम हो गया श्री श्री अनंत देव नारायण रूपा, जो होता ही है नॉर्मली, ये अनंत महाराज कौन है। तो फिर इनको कम्युनिकेशन मिला। जसवंत सिंह उस समय वहां से डोगरा और मारवाड़ियों की मदद से दार्जिलिंग से एमपी थे, वो आना जाना था उनका। और लकीली उस समय अध्यक्ष बन गए राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो बीजेपी को बंगाल में भी पैदा करना चाहते थे। उस समय तक एमएलए नहीं थे वहां, एक एमपी थे खाली जसवंत सिंह, तो वो वहां ढूंढ रहे थे संभावना। जसवंत सिंह जी ने उनको बताया कि वहां ऐसा है, महाराज साहब की उनकी मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ
कि भाई हम हमारी स्टेट चाहते हैं, तो राजनाथ सिंह ने खुले दिल से ये कहा हम आपको स्टेट देंगे, बट देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बंगाल में एक भी एमएलए हमारा नहीं है। भाई क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो इन्होंने कहा वो कैसे आएंगे एमएलए, और वो जब आएंगे तो आप लोग वोटिंग करने लग जाए। और वो वोटिंग करने लगे, परिणाम ये हुआ कि 2019 में 18 एमपी जीते, जिसमें से 8 एमपी कूच बिहार टेरिटरी से जीते, और 21 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 72 एमएलए बीजेपी के जीते पूरे बंगाल में, और 72 में से 54 एमएलए जीते कूच बिहार टेरिटरी। 54 एमएलए जब जीत गए, इनके यहां कार्यक्रमों में पैलेस में राजनाथ सिंह जी, जसवंत सिंह जी, आलूवालिया जी, मोदी जी जाते रहे, अमित शाह जी अब 2021 में वहां पहुंचे जब वो रिजल्ट आ गया, और वहां भोजन करने के लंच करने के बाद उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि एमएलए आपके हैं और हमको एक राज्यसभा सीट अभी मिलेगी, खाली हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप राज्यसभा में कुछ सुशोभित करें। इन्होंने कहा कि भाई मैं राज्यसभा में जाकर क्या करूंगा, मुझे तो मेरा स्टेट चाहिए अलग। राजनाथ सिंह जी जब गृहमंत्री थे तो उन्होंने सलाह दी थी कि स्टेट मत लो, आप यूनियन टेरिटरी ले लो, ताकि पॉपुलेशन वाला झगड़ा नहीं रहेगा, यूनियन टेरिटरी में क्या है वो ज्यादा बजट दिया जा सकता है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अमित शाह जी ने भी इनको आश्वर कर दिया कि हम आपको यूनियन टेरिटरी देंगे लेकिन चुनाव से जस्ट पहले देंगे, ताकि चुनाव पर इसका बेनिफिट दिया जा सके। ये राज्यसभा में 2023 में पहुंच गए, और राज्यसभा में रहते हुए इन्होंने महसूस किया कि यूनियन टेरिटरी के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा, और यह संघर्ष जारी है इनका। पिछले साल इसी साल 24 फरवरी 2024 को मुझे इन्होंने वहां चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था चिल्ला राय जी की जयंती में। वहां जाकर मैंने देखा कि लाखों लोग महाराज साहब के अनुयायी हैं, और वो सीधे नहीं खड़े होते, प्रणाम करते हैं। मेरा चूंकि सिद्धांत है कि मैं महिलाओं से पैर नहीं छुआता, तो वो तेजी से जो बच्चियां महिला पैर छीने लगी, तो मैंने महाराज साहब से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि इन्होंने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था मुझे। मैंने कहा ये मैं तो बच्चियों से महिलाओं से पैर नहीं छुआता। इन्होंने कहा भाई आप रोक सकते हो तो रोको, अब एक साथ 20-30 बच्चियां आएंगी तो आप कैसे रोकोगे, हाथ लगाओगे तो हाथ लगाना था उससे भी पड़ा, और वो तो दूर से यहां है वहीं से पैर छीने। इसका मतलब महाराज साहब का जबरदस्त वहां सम्मान है। और अभी रिसेंटली 21 जून को मैं गया और मैं लेट हो गया, मेरे साथ प्रतापपुरी जी महाराज थे, रात को 12 बजे तक भी 10,000 से 15,000 आदमी पहले इसमें इकट्ठे थे, और फिर एक घंटे उन्होंने प्रोग्राम और किया, वही अफसराओं वाला डांस वगैरह सब आप देखना, कोई एक ने देखा भी होगा आप में से कुछ लोगों ने, आपको फर्क ही नहीं लगेगा कि टीवी वाले को कुछ भी नहीं दिखा पाते, टीवी वालों की इतनी क्षमता ही नहीं है कि एक साथ 300 बच्चियों को दिखा दें, 300 बच्चियां एक ही ड्रेस में वही दिव्य गान कर रही है। खुद प्रतापपुरी जी महाराज के बच्चन है उसमें भी होंगे, आप देख लेना वीडियो में भी, कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो स्वर्ग में आ गए। आज भी महाराज साहब ने कल्चर मेंटेन की, अपनी स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। अब इनके दिमाग में एक बात है कि यदि हम संभले नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, तो हमारा अस्तित्व तो समाप्त होना निश्चित है। हम ठीक है और जातियों की तरह तो रह पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो कुलघात है वो नहीं रह पाएगी। उसके लिए जरूरी है प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोपरि है, हम अपनी प्रजा को सही बात बता दें, जो हम गीता के माध्यम से बताने का प्रयास कर ही रहे हैं, उनको एक बार यह पता चल जाए भारत की जनता धर्म भीरू है, वो कभी भी जानबूझ के पाप नहीं करती। आप इतने लोग बैठे हो, कोई भी हाथ खड़ा करके बताइए कि तुलसी जी के पत्ते पे पैर रख सकता है क्या आप में से कोई? पत्ता तो पत्ता ही है, लेकिन तुलसी जी हमारे शास्त्रों में पूजनीय, हम नहीं रख सकते। मांसाहारी भी गाय का मांस नहीं खाता, झटके का खाता है, हलाल का नहीं खाता। अरे मेरी दृष्टि से दोनों गलत, लेकिन मैं कह रहा हूं जो खाता है वो नहीं खाता। बड़े व्यक्तियों के पैर छीते हैं, ये कोई संविधान में लिखा नहीं है, कानून में नहीं लिखा, लेकिन हम सम्मान करते हैं। बेटी की तरफ हम पैर नहीं करते, सोते समय भी घर में ध्यान रखते हैं कि बेटी की तरफ पैर, ये किस में से आया? ये धर्म में से आया। धर्म का जो हिस्सा हमको पता चल गया हम उसे मानते हैं। अब गीता चीख चीख कर कह रही है कि वर्ग अनुसार धर्म निभाएंगे तभी मेरा किया गया काम किया। बार बार कृष्ण यही बात कहते हैं कि अर्जुन यदि तूने मेरे द्वारा दिया गया काम नहीं किया तो तू पाप को प्राप्त होगा। जब नहीं भी समझा तो लास्ट में यह कहा कि युद्ध क्षत्रिय के लिए भाग्यशाली क्षत्रियों को अपने आप स्वर्ग का द्वार होता है, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप को प्राप्त होगा।
मतलब राज्य नहीं लेगा तो पांच को प्राप्त होगा। तो ये तो अपने को कहा है, लेकिन जनता को इस बात का पता चल जाए कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसे ही तुम्हारा राजा क्षत्रिय होना चाहिए, वो पाप नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिक रूप से वही काम करेगी जो शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र के इस हिस्से को जनता तक पहुंचाने के लिए ही रामराइजेशन काम करता है, वो माहौल बनाने का ही तो काम करता है। ये मिशन तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एक राजा राज परिवार, आप कहोगे राज परिवार में क्या जरूरत है, अरे भाई है, मोदी जी ने एक ही घर में दो टिकट दे दी जाके, किसको दे दिए, जो पहले बिल्कुल मतलब ही नहीं जिनका बीजेपी से या पार्टी से, महाराणा महेंद्र सिंह जी के युवराज विश्वराज सिंह जी को टिकट दिया और तीन चार महीने बाद ही युवराज साहब को टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि राज परिवार के लोगों को जनता नमन करती है। और आप देख लो ज्यादातर राजा जीत ही जाते हैं, हार नहीं, हारते नहीं, कोई कोई बहुत ही बड़ा साजिश हो तो अलग बात है। राज परिवार इसलिए हमारे साथ है, हमारे मिशन के राज परिवारों की जिम्मेदारी